Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। तो काफी ज्यादा डिमांडेड वीडियो है यार, मतलब काफी टाइम से सोच रहा था बनाने के लिए और आप सब भी बोल रहे हैं, मैं खुद इतना एक्साइटेड हूं इसके लिए कि मैं काफी टाइम से बोल के रखा हूं कि हैकिंग का कोर्स बनाऊंगा, एथिकल हैकिंग का कोर्स बनाऊंगा। तो मैंने आपको बताया भी था अपना जो कोर्स है उसके बारे में, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, मैंने सिलेबस बताया था आपको पार्ट वन का। पार्ट वन मैं पार्ट्स में डाल रहा हूँ इस कोर्स को, ठीक है। तो मैंने मेरे पास यहाँ पर पार्ट वन का यहाँ पर ब्यौरा है, तो मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ आज इस कोर्स के बारे में। पूरा जो मेरा कोर्स है, ओवरऑल कोर्स की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जो पार्ट वन मैं रिलीज़ करने वाला हूँ कुछ दिनों में उसके बारे में बात करता हूँ डिटेल में, और फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे एक्सेस करना है, लेना है कि नहीं लेना है, तो मैं बता दूंगा सारा इस वीडियो में। प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि आप ही का फायदा है भाई। एक फुली फ्लेज्ड एथिकल हैकिंग का कोर्स है फ्रॉम बिटन टेक, प्लीज़ उसको देखना, आखिर तक देखना, शेयर करना, और काफ़ी सारे सरप्राइजेज हैं आपके लिए एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो प्लीज़ देखते रहिए और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कोर्स का नाम बता देता हूँ आपको। ये जो नाम है, मैंने इसका नाम रखा है टैक हैकर एथिकल हैकिंग इन साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ये पूरा नाम है, ये पूरे बंडल का नाम है, पूरे जितने भी पार्ट्स है इसके सबका नाम है पूरा मिला के, ठीक है। अब इसका जो पार्ट है पार्ट वन, वो पार्ट मैंने क्यों बनाया वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये कोर्स अपने आप में बहुत बड़ा है और पूरा कोर्स मैंने बनाया भी नहीं है, लगभग 50% बनाया होगा अभी तक और काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा कोर्स है। मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ मिले, जो भी आपको ज़रूरी है सीखना सब कुछ मिले, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में दे रहा हूँ आपको, ताकि साइज कम हो, आपका माथापच्ची कम हो, अपने हिसाब से ले सको आप। मतलब आपको कुछ पार्ट लेना है, कुछ टॉपिक्स लेने हैं, तो आप वैसे ले सको। पूरा कोर्स लोगे एक साथ में तो आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा ना, अगर आपको पहले से आता है तो। तो अब ये हो गई, पूरे मॉड्यूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मॉड्यूल का मैं प्राइस भी रिवील नहीं करूँगा, उसका साइज़ वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं ना अभी, उसका साइज़ वगैरह मेरे को कुछ नहीं पता, क्या क्या होगा सब में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। जब पूरा मॉड्यूल बन जाएगा उसके बाद जो मेगा बंडल रिलीज़ होगा, जो ग्रैंड फिनाले रिलीज़ होगा, उस टाइम पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये वीडियो है पार्ट वन के बारे में। इस पार्ट वन का नाम है, जो पहला पार्ट है इस कोर्स का, टेक हैकर प्री हैकिंग कोर्स। प्री हैकिंग, प्री हैकिंग का मतलब क्या है कि मैंने इस मॉड्यूल में, सॉरी इस पार्ट में, मैंने आपको यहाँ पे हैकिंग से पहले तक की सारी चीज़ें बताई है। हैकिंग मतलब एक्सप्लॉयटेशन फेज, जब आप एक्चुअल में टारगेट को अटैक करते हैं, एक्चुअल में एक्सप्लॉयट करते हैं सिस्टम को, उससे पहले की सारी चीज़ें। प्री हैकिंग मतलब आपको पहले प्रिपेयर करने अपने आप को कि आप टारगेट को अटैक कर सको, आपको पहले ढूंढना है, आपको पहले जानना है उसके बारे में, खुद पता करना है कि आपको करना है क्या एक्चुअल में उसके साथ, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, पूरा प्लान बनाना है, पूरा एकदम स्ट्रक्चर, पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं आपको, क्लाइंट के साथ आपके मतलब बात करनी है, मिलना है, फिर वो सब प्लान्स करने हैं आपको, मॉडल्स बनाने हैं, उसके बाद आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके बारे में फिर उसके बाद स्कैनिंग करनी है उसको, उसमें क्या क्या कमी है, जो सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ना पूरा हैकिंग का, वो पूरा मैंने सिस्टमैटिकली ही आपको बताया है इस कोर्स में। तो पूरा सब कुछ है जो हैक करने से पहले काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मॉड्यूल वाइज बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मॉड्यूल वाइज मैं एक एक करके बताता हूँ आपको डिटेल में। सबसे पहला यहाँ पर मॉड्यूल का नाम है इंट्रोडक्शन, बहुत ही एकदम बेसिक, मतलब मॉड्यूल वन इंट्रोडक्शन। आपको हैकिंग का एच भी नहीं आता, आपको हैकिंग का कुछ भी नहीं आता, आप सिर्फ थोड़ा बहुत जानते हो कंप्यूटर्स के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत। मतलब मैंने कुछ प्री रिक्विसाइट्स रखे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप सीधा पैदा हुए और हैकिंग करना स्टार्ट कर दोगे मेरे कोर्स से, ऐसा नहीं है भाई। मैंने साफ साफ बताया, मैं पहले बता चुका हूँ और वीडियो आने वाला होगा आगे भी मेरे चैनल पे, कि हैकिंग सीखने से पहले आपको क्या क्या मतलब आना चाहिए, उसके बाद आप कोर्स लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पहले मॉड्यूल में आपको मैंने एक कंटेक्स्ट बिल्ड करवाया है कि एक्चुअल में हैकिंग होती क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं है, सिंपल आप स्कैनिंग करना चालू कर दोगे क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको पूरा थ्योरी पता करना पड़ेगा कि हैकिंग होता क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में हैकिंग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हम करियर कैसे बनाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं आजकल, कैसे उसका हिस्ट्री क्या है पूरा पूरा। मैं एकदम पीछे ले जाऊँगा आपको, एकदम स्टार्टिंग से पूरा हैकिंग का। और इस मॉड्यूल में मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मैं विश्वास दिला दूंगा कि आप हैकिंग करके कोई बुरे आदमी नहीं बनोगे, हैकिंग करके आप बहुत ही सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इस मॉड्यूल में हैकिंग के टर्म्स बताए हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, जैसे हैकर, वाइट हैट, ब्लैक हैट, एक्सप्लॉयटेशन, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, एसेट, क्या होता है यार, मतलब एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता, लोग बस ऐसे यूज़ करते हैं।
काफी सारी चीजें हैं, जीरो डे बग ये सब होता है कि एक्चुअल में पेन टेस्टिंग क्या होती है, सारी चीजें बताई है, मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, इंडस्ट्रियल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे कैसे काम होता है, कैसे क्या टर्म्स यूज करते हैं, क्या एथिक्स होते हैं, सब कुछ मैंने प्रोफेशनल वे में बताया है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया, मतलब प्रैक्टिकल कर दिया और बस बोल दिया कि हैकिंग होती है, इंस्टा हैक, फेसबुक हैक, इस टाइप का नहीं है भाई, इस टाइप का करना है तो आप बिल्कुल दूर रहिए। प्रोफेशनल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोर्स बनाया है, तो प्लीज़ उसी पॉइंट से इसको देखिएगा। और इसमें मैंने ये भी बताया कि आपको पूरे कोर्स में क्या क्या मिलेगा, ठीक है, और पूरा जो बंडल है, मेगा बंडल जो बाद में आएगा, उसके बारे में सारे मॉड्यूल जो हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो सेकंड मॉड्यूल है, बेसिक्स एंड एनवायरनमेंट सेटअप, बेसिक्स मतलब वही सारी चीज़ें कंटिन्यूड है जो टर्म्स यूज होते हैं, वल्नरेबिलिटी रिसर्च, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये सब के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या मीनिंग होता है एक्चुअल में, वल्नरेबिलिटी रिसर्च क्या होता है, थ्रेट मॉडल्स क्या होते हैं, थ्योरी वगैरह भी है, प्रैक्टिकल भी है। यहाँ पर प्रैक्टिकल ऐसा मत सोचना कि मैं कोर्स बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे थ्योरी डालता हूँ तो मैं कोर्स में भी थ्योरी डाल दूंगा, भाई थ्योरी भी है उतना प्रैक्टिकल भी है, बहुत सारे भर भर के प्रैक्टिकल्स डाले हैं, तो प्लीज चिंता मत करना, भरपूर है यहाँ पे। इन्वायरमेंट सेटअप आपको चाहिए होता है ना, कि हैकिंग का लैब सेटअप करना है, ऐसा नहीं है कि आप खुद को मतलब किसी और को मतलब किसी लाइव सेट पर जाके हैक कर रहे हो सीख सीख के, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको खुद के इन्वायरमेंट्स, खुद के वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करने हैं, लैब सेटअप करने हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो काली कैसे इंस्टॉल करें, वर्चुअल मशीन्स कैसे क्या काम करती हैं, डुअल बूट क्या होता है, वीएम क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करें, कौन सा डिस्ट्रो अपने हिसाब से क्या वर्जन चूज करें, स्पेक्स क्या होने चाहिए, सब कुछ डिटेल में भाई, मतलब जो भी आपको चाहिए ना सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा, जो चाहिए सब कुछ है। उसके बाद थर्ड जो मॉड्यूल है, लिनक्स रिफ्रेशर, लिनक्स के बारे में, बेसिकली लिनक्स जनरली की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप काली पैरेट स्पेसिफिकली बात करो, हालांकि मैंने काली में करके बताया आपको लिनक्स, लेकिन ऐसा नहीं, आप किसी भी लिनक्स में उसको यूज़ कर सकते हो। लिनक्स बेसिकली सब में सेम होता है, स्ट्रक्चर जो है सब में सेम होता है, तो जो भी आपको जानना ज़रूरी है लिनक्स फाइल्स के बारे में, फाइल सिस्टम के बारे में, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, फाइल परमिशंस, ग्रुप्स, यूज़र आईडीज, और जो भी एक्सेस कंट्रोल होता है, जो भी मतलब जो भी आपको ज़रूरी है ना काम करने के लिए, जो बेसिक कमांड्स है सारे के सारे, नेटवर्किंग कमांड्स सारे के सारे, जो भी आपको काम आएंगे सब मैंने बताया इसमें, ठीक है। और फिर चौथा जो मॉड्यूल है, नेटवर्किंग रिफ्रेशर, नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग मैंने बताया सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है यहाँ पे, बैकबोन है हैकिंग का, तो वो तो जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने ऐसे चीज़ें मतलब ऐसी ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, थ्योरी पार्ट डाले हुए हैं जो आपको सीखना जरूरी है हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने रिवाइज करा है, ऐसा नहीं, मैंने इसका नाम ही रखा है रिफ्रेशर, मैंने रिफ्रेश किया आपके नॉलेज को, ऐसा नहीं कि मैं एकदम डीप में चले गया आपको पूरा स्टार्ट से सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं, आपको पहले से आना चाहिए, बस मैं थोड़ा उसमें पिंच ऑफ नॉलेज ऐड कर रहा हूँ और आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि हाँ ये सब आप याद कर लो आगे काम आएगा। और ऐसा भी नहीं कि इसमें पूरा नेटवर्किंग है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लोगे, नेटवर्किंग का कोर्स चल रहा है उसमें, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि ये तो देखो ही देखो, लेकिन मेरे चैनल पे जो नेटवर्किंग आ रहा है ना उसको भी साथ में देख लो, तो पूरा क्लियर हो जाएगा नेटवर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। जो फिफ्थ मॉड्यूल है उसमें हम लोग एक्चुअल में हैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो फेजेस होते हैं ना हैकिंग के, सबसे पहला फेज होता है फुटप्रिंटिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, रिकॉनसेंस, तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ मॉड्यूल पूरा उसी पे बेस्ड है, मेरे ख्याल से उसमें करीब 37 वीडियोस हैं, देख लेना मुझे याद नहीं है, आधे थ्योरी या आधे प्रैक्टिकल है, मैंने जो भी प्रैक्टिकल बताया है ना उसका थ्योरी भी बताया है, ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिकल बता के छोड़ दिया, एकदम डिटेल में आप क्या कर रहे हो आपके दिमाग में होना चाहिए, जीनियस नूब नहीं बनना है, जो कर रहे हो उसको अच्छे से समझो कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, कमांड डालने से कुछ नहीं होता, कमांड कैसे काम कर रहा है बैकएंड पे और आपको क्या कैसे आउटपुट मिलेगा, क्या ऑप्शन है, सारे कमांड्स के साथ डिटेल में बताया है मैंने, ठीक है, तो डिटेल है, कुछ ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं बताया जो आपको जानना जरूरी है, सब कुछ बताया यहाँ पे। और मैं बोल सकता हूँ कि ये कोर्स एकदम हटके ही होगा, मतलब ऐसा तो किसी ने नहीं बनाया होगा मेरे ख्याल से, आप चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। तो फुटप्रिंटिंग, रिकॉनसेंस, सारे के सारे मेजर टूल्स जो काली में आप यूज़ कर सकते हो, सारे मेजर टूल्स बहुत सारे हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, आपने सिलेबस में देख लिया होगा, वो देख लेना उससे। उसके बाद स्कैनिंग है, सिक्स्थ मॉड्यूल, स्कैनिंग मॉड्यूल, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग और नेटवर्क स्कैनिंग, लाइव होस्ट स्कैनिंग, पिंगिंग और ट्रेस रूट, सब कुछ मैंने एकदम डिटेल में बताया, नेटवर्क मैपिंग क्या होता है वो सब कुछ वो सिलेबस में आपने देख लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा वीडियोस हैं, 39 वीडियोस हैं इसमें और काफ़ी लंबे लंबे हैं, मतलब बहुत डिटेल में हैं, काफ़ी लंबे वीडियोस हैं पूरे कोर्स में, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मॉड्यूल है, ठीक है, इसमें 7 मॉड्यूल्स हैं टोटल, 7 मॉड्यूल्स, लास्ट मॉड्यूल है इन्यूमरेशन। अब ये होता है ना इन्यूमरेशन, आपको शायद पता नहीं होगा, आप देख लेना, मैंने उसमें बताया डिटेल में, बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन तो मिल गई लेकिन और कैसे पता करें, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कैसे अपन और ज़्यादा घुसे सिस्टम पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डिटेल में, तो वो सब आप इन्यूमरेशन में करते हो। ये इंटरनल मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट में होता है, इंटरनल नेटवर्क्स में होता है जो इन्यूमरेशन वाला होता है ना स्टेप,
वो आप नेटवर्किंग पे पढ़ते हो, जो लोकल नेटवर्क्स होते हैं उसमें पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन वो भी आपको ज़रूरी है जाना, ठीक है, CEH OSCP वगैरह में वो काम आता है। अब जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि सिर्फ वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं आपको, सिर्फ वीडियोज़ नहीं है यहाँ पे, या फिर काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको एडिशनल कंटेंट क्या क्या मिल रहा है वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एडिशनल मटेरियल्स रेफरेंसेस के लिए। सबसे पहला है मॉड्यूल PDFs, जो मैं आपको जो भी स्क्रीन पे बता रहा हूँ ना, वो सब PPT बना के बता रहा हूँ। मैंने वो सारी PPTs खुद से बनाई है, किसी से लिया नहीं है कोई कंटेंट मैंने, मतलब ऐसा तो हो सकता है मैंने कंटेंट कॉपी किया होगा कहीं से, स्टैंडर्ड जो डेफिनेशंस होती हैं वो कॉपी किया है, लेकिन काफ़ी सारा कंटेंट्स मैंने खुद में डाला है, 60-70% खुद से डाला होगा, और वही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ उसमें। लोग कंप्लेन करते हैं ना कि आप PPT नहीं देते, यार PPT बिल्कुल है इसमें, लेकिन PPT नहीं है, PDF है, मैंने वाटरमार्क डाल के दिया है, ठीक है, उसको कॉपी करना इलीगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है सब कुछ आपको डॉक्यूमेंटेड मिल रहा है, जो मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मॉड्यूल्स का PDF मिल रहा है। उसके बाद PDF फॉर रेफरेंस, मतलब एडिशनल PDF भी हैं जो मुझे सही लगा नेट से, जो मैंने निकाले हैं, जो मेरे पास पहले से थे, जो मुझे सही लगता है आपको बताना, हर एक मॉड्यूल पे हर एक टॉपिक के हिसाब से मैंने, मतलब हर टॉपिक का नहीं है लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं जो मुझे मिले उनके हिसाब से सही लगते हैं वो मैंने डाले हैं इसमें, काफ़ी सारे मतलब डाले हैं इसमें, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है कि इमेजेस हैं मेरे पास, डायग्राम्स हैं जो आपको समझने में मदद करेंगे, जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वैसे PDF में भी हैं लेकिन इसमें अलग से हैं तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद है लास्ट जो है रेफरेंसेस, लिंक्स, मतलब मैंने एक रेफरेंस फाइल बनाई है हर मॉड्यूल में और टोटली पूरे कोर्स में भी, तो सब में रेफरेंसेज है पर मॉड्यूल पे, जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको एडिशनली आप और कहाँ से पढ़ सकते हो नेट पे, क्या रिसोर्सेज है एडिशनली जहाँ से आप उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हो डिटेल में, तो वो मैंने आपको रेफरेंसेज में दिया है, काफ़ी सारे लिंक्स हैं यार, प्लीज़ देख लेना एकदम जब मन करे इत्मीनान से पढ़ने का। कुछ बुक्स के रेफरेंसेज दिए मैंने, बहुत सारे मॉड्यूल में मैंने बुक्स बताई आपको एडिशनल की, आपको क्या पढ़ना चाहिए, किन बुक्स से बेस्ट मिलता है मेरे हिसाब से, तो ये सारी एडिशनल चीज़ें हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मैं और कुछ डालूँ, मैं भूल गया हूँ, लेकिन अगर डालूंगा तो मैं बता दूंगा आपको बिल्कुल। अब बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ की इस कोर्स की, जो मेनली लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे साइज़ की, कोर्स का साइज़ क्या है, मतलब टोटल डाउनलोड हमको मिलेगा क्या डाउनलोड करने, भाई सबसे पहले बता दूँ मैं आपको, ये डाउनलोड करने नहीं मिलेगा, डाउनलोड आप नहीं कर सकते हो कोर्स को, आपको इस कोर्स को मेरी साइट पर एक्सेस करना पड़ेगा और मेरी साइट से आपको की डाल के एक्सेस करना पड़ेगा, वो की आपको तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है। एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं या फिर आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा आपको मेल में जब आप रजिस्टर करोगे वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी एक नई वेबसाइट आई है, मैंने नई वेबसाइट लॉन्च की है अभी Bitten Tech Solutions के नाम से, तो उसी वेबसाइट पे आपको इस कोर्स को एक्सेस करना है, चाहे तो आप सर्फ कर सकते हैं वेबसाइट, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें डेमो कंटेंट होगा, अभी ज़्यादा कुछ डाला नहीं है मैंने, फिर भी वो पूरा कोर्स इस वेबसाइट पर होगा, आपको की डालना है और पूरा जो साइज़ है इस कोर्स का वो है 3.4 GB। मैंने काफ़ी कम किया है साइज़ को, ये मत समझना कि 3.4 कम है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है, कंप्रेस किया है साइज़ को, तब जाके 3.4 हुआ है, बहुत ज़्यादा था पहले, ठीक है, 3.4 GB साइज़। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ वीडियोस हैं इसमें वो है 168 वीडियोस है, मेरे ख्याल से किसी और कोर्स में आपने देखा नहीं होगा इतने वीडियोस मेरे ख्याल से इस प्राइस पे। मैं प्राइस बताऊंगा अभी, वेट करना, प्राइस बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा। ड्यूरेशन कितना है इस कोर्स का वो भी ज़रूरी होता है भाई, कितना वीडियो कंटेंट है, मैं सिर्फ वीडियो कंटेंट की बात कर रहा हूँ, टोटली वीडियो कंटेंट कितना बड़ा है तो मैं बता दूँ, टोटल मिला के वीडियो कंटेंट सारे मॉड्यूल्स पूरे कोर्स का 24 आवर्स का टोटल वीडियो कंटेंट है, ओके, ठीक है। अब जो मेन बात आई प्राइस, कोर्स का प्राइस क्या है, क्या लगता है कि कोर्स का प्राइस मैंने कितना रखा होगा, आपने क्या सोचा, आपके लिए ज़्यादा होगा, आपके लिए कम होगा, मुझे नहीं पता किसके लिए कम है किसके लिए ज़्यादा है, मेरे हिसाब से काफ़ी कम है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब सबको एक्सेस मिल पाए, जो मतलब उतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी मिल पाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको देने की, तो इसीलिए मैं ये बता दूँ इस कोर्स का प्राइस है 1000 इंडियन रुपीज़, ओके, सिर्फ 1000 का कोर्स है, ऐसा नहीं कि हमेशा 1000 रहेगा, मैं काफ़ी सारे कूपन्स लाऊंगा, मैंने गिव अवे का सोचा है, ठीक है, तो प्लीज़ वेट करना उस वीडियो के लिए, मैं कभी भी आके गिव अवे अनाउंस कर दूंगा, तो प्लीज़ वेट करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको हर किसी को पे करना पड़ेगा, कुछ लकी लोग भी होंगे जिनको फ्री में मिलेगा, वेट करना उसके लिए। और बस गिव अवे अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूँ आपको, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, शेयर करना है वीडियो को, इस वीडियो को स्पेशली आप बोलिए, लोगों को लाइए और एक
मुझे अगर लगा कि काफी सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, एक थ्रेशोल्ड है मेरा 80,000 सब्सक्राइबर्स, 80,000 हो गया तुरंत गिव अवे कर दूंगा कोर्स का, चाहे तो 5 लोग हो, 10 लोग हो, जितना मेरा मन करेगा मैं गिव अवे कर दूंगा। तो प्लीज सपोर्ट करें, बस मैं यही चाहता हूं। उसके बाद इसका एक और कंसर्न ये होता है कि लोग बोलते हैं कि लेवल क्या है कोर्स का, कितना मतलब कौन से लोग इसको देख सकते हैं। देखो लेवल जो है मैं ये बोलूंगा कि बिगनर टू इंटरमीडिएट का लेवल है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ एडवांस्ड, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एडवांस इसमें है जो मैंने डाला हुआ है, कुछ बहुत ही कम चीज़ें हैं जो एडवांस्ड हैं, लेकिन 90% चीज़ें ऐसी हैं जो बिगनर को समझ में आ जाएंगी और इंटरमीडिएट को भी, मतलब बिगनर टू इंटरमीडिएट लोगों के लिए कोर्स है। अगर आपको पहले से आपने CEH किया हुआ है या फिर उसी के इक्विवेलेंट कुछ सर्टिफिकेशन किया हुआ है एंट्री लेवल का, तो मैं बोलूंगा कि आपके लिए भी, आप भी पढ़ सकते हो कोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो CEH में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ऐसा मैंने काफ़ी कुछ डाला है इसमें। और अगर आपने OSCP वगैरह किया हुआ है तो प्लीज़ मतलब ठीक है, आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, मैं तो बोलूँगा कि मत पढ़ना, कोई नया मेरे ख्याल से तो होगा नहीं, आपने बहुत कुछ कर लिया है वैसे भी पहले। तो मैं ये बोलूँगा इस कोर्स को, अगर आप CEH की तैयारी कर रहे हो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। आप डायरेक्टली CEH कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन जो भी जरूरी होता है कंसेप्चुअल वे में और प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल वैसे भी होता नहीं CEH में, तो कंसेप्चुअल जो भी है मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं इस पूरे मेगा बंडल में बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि पार्ट वन में है सब कुछ, आगे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस पार्ट में नहीं है, तो काफ़ी कम है, मेरे ख्याल से 30% होगा कोर्स का ये, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, bittentechsolutions.in, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाइए, कोर्सेज सेक्शन में जाइए, जो मेन्यू में जो नेविगेशन बार होता है ना, कोर्सेज हैं उसमें, कोर्सेज में पेड कोर्सेज पर जाइए, उसमें एक कोर्स होगा टेक हैकर प्री हैकिंग वाला, अब उस पर जाइए, आप डिटेल्स देख सकते हो, और डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोर्स को रिलीज़ नहीं किया है, ठीक है। मैं बता दूं डेट कोर्स रिलीज़ की, कोर्स रिलीज़ होगा 4th अप्रैल 2020, ठीक आज से 10 दिन बाद रिलीज़ कर दूंगा मैं, और उसके कुछ रीजन्स है टेक्निकल, ठीक है। तो फिलहाल आप प्री ऑर्डर कर सकते हो कोर्स को, आप वेबसाइट पर जाओ, आप खरीद लो, लेकिन जो की है, जो एक्सेस है, वो आपको मैं 10 दिन बाद दे पाऊंगा, ठीक है। और प्री ऑर्डर करने का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं कम्युनिटी में पोस्ट करने वाला हूँ, मैं बता देता हूँ, अभी फिलहाल एक ऑफर चल रहा है यहाँ पे, पहले 50 कस्टमर्स को ये कोर्स 30% ऑफ में मिलेगा, मतलब 1000 का जो कोर्स है वो 700 में मिल जाएगा पहले 50 कस्टमर्स को, ठीक है। तो प्लीज़ प्री ऑर्डर कर ले, लिमिटेड सीट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कर लो यार, ले लो, क्या दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा आप एक बार देखोगे मज़ा आ जाएगा आपको। तो बस यही था इस वीडियो में, मैं बताने वाला था कि आपको कोर्स कैसे लेना है, कैसे आप खरीद सकते हो, वो तो पूरा वेबसाइट पे अवेलेबल है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जाओ वर्डप्रेस वेबसाइट, आपको आप जानती होंगे कैसे खरीदते हैं, जाओ ऐड टू कार्ट करो, बाय नाउ करो, पेटीएम से पे करो, सिक्योर पेमेंट है, सिक्योर गेटवे है, चेक कर लो, चाहे खुद से विश्वास करो। और ये ऐसा भी नहीं कि आप ये मत समझना कि आप कोर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ी करोगे, आप कोर्स लीक कर दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि मुझे सब पता है, आप पूरी वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट पे पूरा एक्सेस करोगे, आप जो भी करोगे, आप कुछ भी रिकॉर्ड करोगे, आप कुछ भी छेड़खानी करोगे, मुझे सब पता चल जाएगा रियल टाइम में। तो प्लीज़ ऐसा सब मत करना, मुश्किल में फंस सकते हो, ठीक है, आराम से खुद पढ़ो, सीखो, सिखाओ दूसरों को, क्या दिक्कत है। बस वही था इस वीडियो में, काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो मैं खुद बता दूंगा FAQs में, मैं वेबसाइट पे FAQ डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हो, ये वीडियो एक्चुअल में काफ़ी बड़ा हो गया। तो बस यही था इस कोर्स के बारे में, आई नो आप काफ़ी सब बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ, जब कोर्स रिलीज़ होगा तो सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस कोर्स को आज खरीद लें, मैं यही बोलूँगा, आप सबको एक्सेस मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, आप प्लीज़ रिव्यू कर देना अच्छा लगा तो। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, वेट करें 10 दिन बाद कोर्स रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, गिव अवेज चाहिए प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, और बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।